हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। मैं तुहाडा हरी सिंह, वेलकम आ जी चैनल उत्ते। बड़ी देर बाद वीडियो बना रहा, हुण कुछ इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करनी सी। इंपोर्टेंट अपडेट आई है जी, ये मैं चाहुंदा कि तुहाडे नाल शेयर की जाए। एक तो है जी टैक्सी ड्राइवरां वास्ते कि बोल्ट की जिहड़ी ऐप आ उह कईआं दी चल रही, कईआं दी नहीं चल रही, तो दूसरी जिन्होंने कंट्री आउट करना, क्रोशिया तों कितें वी जाणा, यूरोप ते जिद्दां कोई इटली स्पेन फ्रांस जांदा है ना, तो वह चीज़ वास्ते इंपोर्टेंट अपडेट आ, तो वह मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। तो पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल में लाइक सबसक्राइब तो शेयर, वीडियो में लाइक करो। आई होप आ वीडियो जिहड़ा भी देखेगा तो अवेयर होएगा इस चीज़ बारे, तो सब दे लई बेनीफिट ही होएगी वीडियो ये। तो चलो जी वीडियो नूं शुरू करते हैं, स्टार्ट। हाँ जी जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो अज की वीडियो के दसिया जाएगा जी, पहला टॉपिक यह है कि जिहड़े टैक्सी ड्राइवर बंदे इत्थे टैक्सी का काम कर रहे थे, जिदा बोल्ट आलमोस्ट मैक्सिमम चलती, उबर भी चलती, बट ज़्यादा काम बोल्ट दे विच हुंदा सीगा। हुण बोल्ट वालों क्रोशिया दे विच अपडेट यह है कि जिस कंपनी का तुहाडा कई आई डी बंद होगी, सब तो पहला दस देवां, कई उबर परमा बोल्ट बंद होगी, उन्हां दी बंद हुई है। रीजन ये पिछे यह बंद होंदा कि जिन्हां दा वर्क परमिट समझो, फॉर एग्जाम्पल उन्हां दा वर्क परमिट जिन्हां दा वर्क परमिट हैगा है जी बुल सर्विसिज का, कोई भी कंपनी है एज इट इज़ कोई समझो ना, तो उही वर्क परमिट का फ्लीट उन्होंने बोल्ट दे विच होनी चाहिए है। सेम वर्क परमिट, सेम फ्लीट, सेम ओआईबी, ठीक है जी। जो चीज़ सेम नहीं है तो बोल्ट ने की किया जी, बोल्ट ने वो चीज़ मतलब कि वह आईडियाज ही बंद कर दी। पहले यह होंगे कोई भी काम करता है कंपनी, जिदा सगो एग्जाम्पल एक कंपनी आ, उहदी अगे वक् वक् कंपनियां, भी कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रेशन आ, उहदी भी कंपनियां उहदे कोल होर हैगियां, वह किसी भी कंपनी का परमिट कढ़ाउंदा सीगा, तो बोल्ट दे विच आई डी पाउंदा सीगा, पेपर अपलोड करता सीगा, तो अपरूवड हुंदे ते बंदे काम करना शुरू कर देंदे। बट हुण ये चीज़ इदा नहीं है, जिस कंपनी का तुहाडा वर्क परमिट है, समझो एग्जाम्पल समझो जिदा कि देवित कैब त्री आ गया है ना, जे उस कंपनी का ही जो तुहाडा वर्क परमिट है, उस उत्ते ही जे ये लिखा होगा कि देवित कैब त्री का वर्क परमिट हैगा, तो उहदे नाम उत्ते ही आई डी बनेगी, तद टी आर सी पिछे टी आर सी दे बकायदा है ना, उहदा एड्रैस जो भी कंपनी लिखी होएगी जो भी है, तो इन केस जे वो चीज़ नहीं होगी तो वो जी आई डी उन्होंने नहीं एक्टिवेट करनी हैगी। काफ़ी अकाउंट सस्पेंड होए आ, ठीक है, कंपनियां दे काम कर रही हैं, कल्ली एक कंपनी सारी कंपनियां दे विच होया है, तो वह प्रॉब्लम फेस कर रहे, तो हुण इस चीज़ करके ग्यारह बंदे हुण काम कर रहे उबर दे विच, उबर दे विच आईडिया बना रहे, क्योंकि उबर च हजे फिलहाल चल रहा, पर कोई अपडेट नहीं इदा जी, इन फ्यूचर जो उबर दे विच भी हो जाएगी फिर काफ़ी दिक्कत होएगी, ठीक है जी। तो ये जी अपडेट सीगी बोल्ट क्रोशिया दे विच, इस टाइम उन्होंने ही चलेगी जिन्हों की मतलब कि वर्क परमिट सेम होएगा, उबर बोल्ट दे विच आई डी भी उही एक्टिवेट होगी, सेम वर्क परमिट, सेम टी आर सी कंपनी की, वही चलेगी, ये जी नॉर्मल है। कि जे किसी मेरे भरा जो भी वीर हैगा टैक्सी का काम कर रहा, जा इस टाइम जैगरिप दे विच है, जैगरिप दे विच कोई भी काम कर रहा है, जे किसी नूं कोई एक्सट्रा पता होवे क्यों होया ये होया, बट मेरी नॉलेज जो आई साडी कंपनी नाल गल हुई सी कि सानूं ये चीज़ां पता लगियां कि कोई होर भी रीजन है या कुछ भी है ना, तो वह प्लीज़ जरूर कमेंट बॉक्स च शेयर करे साडे नाल। तो दूजी जी गल करनी मेन, जिहड़े बंदे आंदे सीगे सेम वीजे उत्ते लैके निकल जांदे सीगे, एक जिदा कि सात नाल दी कंट्री इटली जर्मन स्पेन फ्रांस पुर्तगाल कितने भी है ना, तो उन्हां वास्ते जी यही है कि प्लीज़ वो क्रोशिया आओ, क्रोशिया च रुको, टी आर सी लो, टी आर सी लैके इतों निकलो, क्यों तीन फ्रेंड मेरे इतों निकले आ, अलग अलग सके, यही कि इकट्ठे गए हैं, किस्मत चंगी तो निकल जूंगे है ना। हुण की हो रहा बॉर्डर के उत्ते जाके स्लोवेनिया बॉर्डर के उत्ते बंदे रोक लेंगे, जे तो स्लोवेनिया बॉर्डर भी निकल गए ना, जर्मन बॉर्डर के उत्ते पुल देख लेना, जो पासपोर्ट देखना, तुहाडा वीजा है, उन्होंने आई डी मंगनी, आई डी तो ही बनवाई नहीं, तो सीधा निकल गए है ना, तो वापस पेपर दे के उतो तुहानू सेम फिर इसे कंट्री सुटन वापस भेजन रहे, ठीक है जी। ये हुई आ मेरे खुद फ्रेंड ना, अभी थोड़े कु दिन पहला स्लोवेनिया बॉर्डर तो मुंडे नू वापस लैके आए हैं, पेपर दिता इन्होंने, वो कहते कि टी आर सी कार्ड तुहाडे कोल होना चाहिए, फिर तुम जा सकते हो वीजे उत्ते, हुण नहीं तुसी क्रॉस कर सकते बॉर्डर, जे कर भी गए तो अगे जाके चैकिंग होगी, जे तुहाडी किस्मत वधिया तो तुसी निकल जाओगे, जे नहीं हुई है तो फिर उन्होंने वापस इत्थे ही भेजना। सो इस करके महीना डेढ़ महीना वेट कर लियो, टी आर सी लै लो हाथ दे विच, फिर जाके अगे मूवन होवो, क्योंकि ये जरूरी खबर है जिहड़ी मैं, जिन्होंने भी आना, जिन्होंने अगे आते निकलना, मैं नहीं चाहता कि उन्हों का नुकसान होवे है ना,
ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਾ TRC ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, TRC ਕਾਰਡ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਰੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ।